हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में अर्थात सरलीकरण के बारे में, ठीक है ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जो मैथमेटिकल टूल्स आपके होते हैं, चाहे वो आपका प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे आपका जो है मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे आपका जो है ब्रैकेट हो। तो अब सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? पहले हम डिवीजन को सॉल्व करें कि पहले हम एडिशन सॉल्व करें कि पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करें कि पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करें? ये हमें अगर पता है तो हम आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को, सिंप्लीफिकेशन के एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कि सिंप्लीफिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट हमें याद रखना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, डिवीजन हो गया, ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट की देखो बात करें तो ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट होते हैं आपके, ठीक है ना। एक होता है आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपका मिडिल ब्रैकेट और एक होता है आपका जो है बिग ब्रैकेट, अर्थात बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। अब उसमें भी किसको सॉल्व करना है पहले? तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक को, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर आप सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को और सबसे लास्ट में आप सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को, अर्थात बड़े कोष्टक को। तो ये तरीका है, इस तरीके क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको ये तरीका वहां पर अपनाना था कि एक भी क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन में गलत ना हो, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है और अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो फिर बात के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे यार, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत कर दिया हमने, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ है ही नहीं, केवल प्लस और माइनस करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। लेकिन उनको भी करने का एक तरीका है, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्वेश्चन को लगाते समय क्या लगाते हैं, क्या याद रखना है हमें? तो वहां पे हमें याद रखना है बॉड मास। क्या याद रखना है? बॉड मास, बी ओ डी एम ए एस, हमें याद रखना है बॉड मास। बॉड मास का रूल हमें जो है सिंप्लीफिकेशन में लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है सिंप्लीफिकेशन में? बॉड मास। अब ये बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बी का मतलब क्या हो गया? तो आपने कहा बी से हो गया आपका ब्रैकेट, बी से हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है ना, बी से हो जाएगा आपका ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी अगर बात करें हम, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि अगर ब्रैकेट में बात करें तो ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में आप जो है बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बी से का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद ओ का मतलब क्या हो गया? ओ का, तो ओ से देखो, ओ से हो जाएगा आपका ऑफ, और ऑफ का मतलब हो गया, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? का होता है, और का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे कहते हैं टू ऑफ थ्री, टू ऑफ थ्री, तो आप समझ जाएंगे टू का थ्री में क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लाई करना है। एक सिंबल भी आपका लगा होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो अब यहां पर देखिए, अगर ऑफ का मल्टीप्लीकेशन आता है तो ब्रैकेट के बाद होगा, फिर इसके बाद ऑफ के बाद क्या होता है? डी, डी से होता है आपका डिवीजन, डी से होता है आपका डिवीजन अर्थात भाग, ठीक है ना। फिर एम से क्या होगा? एम से होगा आपका मल्टीप्लीकेशन, एम से होगा आपका मल्टीप्लीकेशन होगा,
अर्थात गुणा होगा, ठीक है ना। ए से क्या हो जाएगा आपका, ए से हो जाएगा आपका एडिशन, ए से हो जाएगा आपका एडिशन, और एस से क्या हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करना अर्थात घटाव करना, ठीक है ना। तो एस से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये होता है बॉडमॉस का फुल फॉर्म। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक ऑफ मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी लगा होता है, तो यहां पर हम कैसे करेंगे। यही तो जरूरत है हमें बॉडमॉस की, तभी तो सिंप्लीफिकेशन में छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक छोटी सी गलती से वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर बॉडमॉस का प्रयोग नहीं करते, और बॉडमॉस का प्रयोग करना वहां पर बहुत जरूरी है ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही आए। प्रॉब्लम कहां आती है बॉडमॉस में, इस वाले पहलू में, ठीक है ना। डिवीज अगर ऑफ का ऑफ लगा है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है, वो डिवीजन के पहले होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा है तो वह आपका जो है कब होगा, वह डिवीजन के बाद होगा, ठीक है ना। और एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बाद में ऐड कर दीजिए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये पूरी प्रोसेस आपको अपनानी है, ठीक है ना। ब्रैकेट पहले ओपन करना है, फिर ऑफ को जो है आपको सॉल्व करना है, फिर आपको डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना अर्थात माइनस करना है। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा जरा समझते हैं चीजों को। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर जो है, क्वेश्चन है आपका टू ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू, टू ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री, ठीक है ना। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि टू ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर यहां पर हम देखें, अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो आपने कहा मुझे बॉडमॉस याद है, सबसे पहले ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पे ये ऑफ लगा था ना, ऑफ की जगह हमने लगाया मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका एट डिवाइडेड बाई टू इंटू हो जाएगा आपका थ्री, तो टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, फोर इंटू थ्री, आंसर हो जाएगा आपका ट्वेल्व, आंसर हो जाएगा आपका ट्वेल्व। बात मेरी समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ के बाद फिर हमने डिवीजन को सॉल्व किया, और डिवीजन के बाद फिर हमने मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया आपका 12। क्या आंसर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। एक क्वेश्चन जरा मैं आपको देता हूं, उसका आंसर मुझे आप बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहां पर कि 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड 12 इंटू 4, ठीक है ना, डिवाइडेड 12 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर मुझे दीजिए कि 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड 12 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका सलूशन बताइए भाई। आपको चीजें समझ में आ गई हैं, इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा कि 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 का आंसर क्या आएगा। इसको अगर हम जो है सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे तो क्या यहां से वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो आपने कहा कि बॉडमॉस के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3, 4, 5, 6 में 12 से डिवाइड करेंगे, और बाद में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा डिवाइड करिए कितना आता है, तो आपने कहा आ जाए कितना आ जाएगा, 12
12 2 24, ठीक है ना, 12 2 24 कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 105, 12 8 96, 12 8 96, और 105 में अगर 96 को हम माइनस करेंगे, 105 में आप 96 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, फिर से 9 आ जाएगा, तो 96 फिर से हो जाएगा, और 12 8 96 पूरा का पूरा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 288 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 288 into 4, ये हो जाएगा 288 into 4, जरा 4 का मल्टीप्लाई करिए 288 में, कितना आएगा, 4 8 जा 32, 3 आपका कैरी हुआ, 4 8 जा 32, और 3 कितना हो गया 35, 3 आपका फिर से कैरी हुआ, 4 2 जा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, तो 1152 आपका आंसर हो जाएगा भाई, 4 2 जा 32, फिर हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 में 3 ऐड करिए 35 हो गया, 3 फिर से कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 कितना हो गया 11, तो 1152 आपका सही आंसर होगा, क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कि आपको सिंप्लीफिकेशन में कैसे बॉड मॉस का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा, अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप और दीजिए भाई, एक क्वेश्चन का आंसर जरा और दे दीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट अभी और सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, क्वेश्चन है आपका जो है वन, क्वेश्चन है आपका वन डिवाइडेड ब्रैकेट क्लोज 1+1, ठीक है, डिवाइडेड ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड आपका हो जाएगा 1, फिर है 1+1 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका जो है मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, और प्लस का हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, 1 डिवाइडेड फिर आपका बड़ा ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड 1 ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, लास्ट में प्लस का 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बॉड मॉस लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, बॉड मॉस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल से आंसर आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि चीज़ें आपको सब पता है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहां पे तो क्या लिखेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बड़ा ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड 1, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/2 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको यहां से क्लोज कर दिया, यहां से प्लस का 1 आ गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप 1+1/2 को सॉल्व करेंगे तो अगर 2 1 2 तो 2+1/2, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये देखो नई वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जाएगी आपकी 1+1 मिडिल ब्रैकेट 1+1, यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाए देखो, ये 1 चूंकि मल्टीप्लाई में है तो 1 × 3/2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो मंझला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना, अब कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा आपका, मंझला ब्रैकेट, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट प्लस 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, अब जरा इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम यहां पे इसको इस प्रकार सॉल्व करना है 1+1 डिवाइडेड, अब देखो 1 × 3/2 का मतलब 3/2 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1 डिवाइडेड 1, ठीक है ना, 3/2, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको,
अब यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन, मैं एक चीज गलत बोल गया कि 3/2 आ जाएगा यहां पे, चूंकि अब यहां पर क्या होगा कि जब ये बाहर आएगा तो इसके साथ ये डिवीजन पहले होगा ना, डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लीकेशन बाद में होगा। तो यहां से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। तो यहां पे कितना बचा, 1 बचा ना भाई, 1 से 1 कट गया, 1 बच गया। तो यहां बचेगा आपका जो है 1 + 1 × 3/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + 3/2 लिख सकते हैं, 1 + 3/2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 2 + 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा आपका 5/2। ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। अब जरा इसको यहां पे लिख लीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 / 1 / 1। इसको आपने पूरा सॉल्व कर लिया और ये आया आपका 5/2, ये आया आपका 5/2 प्लस का 1 हो गया, ये आ जाएगा आपका 5/2 और प्लस का 1, ये बाहर है। अब जरा जरा बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करिए, अब जरा आप बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो जब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहां पे सॉल्व करेंगे आप 1 + 1 / 5/2। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, बाद में एडिशन होगा। तो जब डिवीजन सॉल्व करेंगे तो को ये हो जाएगा आपका कितना, ये 1 प्लस, अब देखना एक से समझना, अगर मैं यहां पे इसको लिखूं 1 / 5/2 को मैं ऐसे लिखूंगा 1/5/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/5। क्या लिख सकते हैं, 2/5। एक चीज आपको और पता है, जब ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है डिवीजन, तो क्या होता है जो नंबर्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, अर्थात जो नीचे का नंबर है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 + 2/5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 यहां आ जाएगा, 5 + 2/5, तो हो जाएगा 7/5। क्या हो जाएगा आपका, 7/5 हो जाएगा, क्लियर है। अब जरा देखिए यहां पे आप इसको लग देंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 / यहां पे आ जाएगा आपका 7/5 प्लस का 1, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट भी आपका सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले डिवीजन, जब डिवीजन आप करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 12/7। क्या हो जाएगा, 12/7 आपका आंसर आ जाएगा, 12/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन एक एक स्टेप हमने बड़े अच्छे सॉल्व किया और कितना आसानी से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चाहे जैसा ही क्वेश्चन आ जाए, आपको वहां पर सिंप्लीफिकेशन में बॉडमॉस लगाना है, ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में मेरी बात आ रही है। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12/7 आ जाएगा, ठीक है ना, 12/7 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, 12/7 आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले हमने इस स्टेप को सॉल्व किया, फिर हमने जो है इस स्टेप को सॉल्व किया, और सबसे लास्ट में हमने इस स्टेप को सॉल्व किया, जहां से हमको क्या मिला, ये स्टेप यहां से ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये स्टेप ये वाला है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप इसको उसमें जो है मिला दें, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेप इधर का, ये स्टेप इधर का है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा आपका लास्ट में, 12/7 वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको आप और जो है सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12, तो 1 = 5/7 भी लिख सकते हैं, 1 = 5/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि आपका 12/7 लिखा है, क्लियर, समझ में बात आ रही है। चलिए, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट था किसको लेकर के, बॉडमॉस को लेकर के, ठीक है ना, कि बॉडमॉस क्या है और कैसे आपको उसका प्रयोग करना है। तो समझ में आया बॉडमॉस क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर डी से क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन, फिर एम से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, फिर ए से क्या होगा, एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है, क्लियर है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं और बहुत जल्दी दे सकते हैं, लेकिन बॉड बॉस लगाना नहीं भूलना। कभी भी गलती मत करिए कि नहीं यार सिंपलीफिकेशन तो हमसे बन जाएगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन बॉड बॉस को लगाइए क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर भाई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो फिर बाद में बहुत पछतावा होता है, और बाद में फिर वही वाली कहावत याद आती कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब पछताने से क्या होने वाला है, जो काम था जो होने वाला था जब समय था वो तो निकल गया, अब तुम ये कह सकते हैं फिर से करें, फिर से तैयारी करते हैं। भाई जब मौका था और जब ये था कि नहीं हमें आगे बढ़ना है और कुछ हमें पाना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात तो भाई गलत है। खो तो सबको ही रहा है, आप भी खो रहे हैं, आप जो समय है आपका दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा, जो समय अपना आप दे रहे हैं इस तैयारी में वो समय क्या दोबारा आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपका एक एक पल आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। आप ये मत सोचिए नहीं आपका वक्त जो है बेकार है, आपका एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पल ये दौर कभी दोबारा नहीं आने वाला, तो इसलिए जो है तैयारी जो होनी चाहिए वो भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार जो है हमारा समय जो है अभी सही नहीं है, जब होगा तब। किसी का समय आपके अनुसार आपका बदलता है, आप अपने समय को अपने अनुसार चलाइए, किसी के अनुसार मत चलने दीजिए, आपका समय आपके अनुसार चलेगा, ऐसा आप उसको बनाइए। आपको ये करना है तो करना है, अभी करना है अभी करेंगे, ये मत डालिए कि नहीं कल कर देंगे परसों कर देंगे, नहीं फिर वही बात आएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय रहता तो किया नहीं और अब सोचने से क्या होने वाला है। भाई सोचते रहिए कोई बात नहीं, अब मौका कब आता है किसको पता, मौका कब आता है किसको पता, और जब आएगा तो जो हमारे पीछे लोग बैठे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं छोटी हमारी बहनें हैं, वो भी तो उस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं, वो भी भाई वो तैयार हो रही है उस एग्जाम को देने के लिए, तो वो कंपटीशन तो और बढ़ने वाला है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और एक बार जैसे मैंने कहा नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खो तो सभी लोग रहे हैं, आप भी खो रहे हैं, सब समय जा रहा है, ठीक है ना। कुछ करने के लिए कुछ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आप करेंगे, जब आप अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करेंगे, तो बिल्कुल आपको आपकी मंजिल 100% मिलेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए भाई, 1200 प्लस 568 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 35। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन दिया है आपका 1200 प्लस 568 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 35। तो सबसे पहले आप यहां पर करेंगे डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन होगा ना बॉड मॉस में, बी ओ डी। अब देखो यहां कहीं भी ऑफ लगा है क्या, यहां कहीं भी ऑफ लगा है? नहीं लगा, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं लगा, तो अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी लगा होता तो वो डिवीजन के बाद होता। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, और जब जरा डिवीजन करिए कितना आएगा, तो डिवीजन करेंगे तो 8 7 56 8 1 8 ये जाएगा आपका 1200 प्लस 71 माइनस 35। अब कितना हो जाएगा ये 1200 प्लस कितना हो जाएगा आपका 11 में से 5 गए तो 6, और यहाँ बचेगा कितना आपका 6 में से 3 गए तो 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 1236 आपका सही आंसर होगा, 1236 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 1200 प्लस 568 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 35 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1236, 1236 इसका सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, 520 प्लस 432 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 11 इक्वल्स टू 187। आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या होगी,
17 होगी, 56 होगी कि 62 होगी कि 44 होगी, क्या होगा सही आंसर? क्या आएगा यहां पर यक्ष की वैल्यू? आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है, तो जल्दी से करिए भाई। तो यहां पे आपको बॉड मॉस लगाना है, बी ओ डी एम ए एस, पहले ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? ऑफ मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन ऑफ लगा है तो वह मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के पहले होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा है तो वह डिवीजन के बाद होगा। क्लियर है? फिर मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा आपका एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना। तो जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो आपने कहा क्वेश्चन दिया गया है 520 प्लस 432, इसको हम मान लेते हैं x इंटू 11 इक्वल्स टू हो जाएगा 187। क्लियर है? अब देखिए इसको हमने क्या किया कि यहां पर जो है इस 11 को हम इधर ले गए, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका 520 प्लस 432 अपॉन x इक्वल्स टू हो जाएगा 187 अपॉन 11। 187 अपॉन 11, 11 को हम इधर ले आए, ठीक है ना? तो यहां हो जाएगा 187 अपॉन 11, 11 से जरा 187 को डिवाइड कर दीजिए, तो 11 7 जा 77 और 11 7 जा 77, 77 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 520 प्लस 432 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 77। अब जरा इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? इनको ऐड करने में कितना आएगा जरा ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका? 2 3 2 5 5 4 9, तो 9, और ये हो जाएगा आपका 952 अपॉन एक्स इक्वल टू 77। तो जगह x इक्वल टू हो जाएगा 952 अपॉन 77। अब जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 77 से 952 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 टू जा 7, तो 7 वन जा 7 वन टाइम जाएगा, क्योंकि भाई अगर 7 से 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा 14 होता है, 7 वन जा 7 होता है, वन टाइम चला जाएगा, तो 7 वन जा 7 कितना आ जाएगा जरा यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 77 से 952 को डिवाइड कर लेते हैं, तो आपने कहा वन टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से सात गए 8, 8 में से सात गया 1, और ये बचेगा 2, 182 बचेगा। तो 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 7 थ्री जा कितना हो जाएगा आपका? 7 थ्री जा 21, तो 7 टू जा नहीं नहीं 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 टू जा कितना हो जाएगा आपका? 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, तो इसको जरा एक यहाँ पे देखो कहीं गलत तो नहीं हो गया, 952 था, अच्छा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 में सात गए 8 और 8 में सात गए 1, तो 2। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका, अगर इसको हम लेके चलते हैं कितनी बार? 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7, कहीं गड़बड़ हो गया क्या भाई? तो आपने कहा 11 से बन जा, अच्छा 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 एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर ली, तभी तो हमारा आंसर गलत हो रहा है, तभी तो आंसर गलत हो रहा है भाई, यहाँ पे 77 नहीं आएगा, तभी तो आंसर गलत हो रहा है। यहाँ पे जब आप भाग देंगे 187 में, 187 में जब आप भाग देंगे 11 का, तो 11 वन जा 11, 11 सेवन जा 77, 17 आएगा, ठीक है ना? 77 कितना आएगा? 17 आएगा, ठीक है? तभी तो वहाँ पे आंसर गलत हो रहा है, ठीक है ना? अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपने जो ऐड कर लिया 592, ठीक है ना? नहीं नहीं 900, ये हो जाएगा आपका कितना? 2 और 3 दो 5, 5 4 9, 952 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 17, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 952 अपॉन 17, 952 अपॉन 17। अब जरा 17 का भाग दीजिए 952 में, 17 से डिवाइड करिए 952 को, ठीक है ना? तो 17 से जरा डिवाइड करते हैं 952 को, 952 को जरा 17 से डिवाइड कर लेते हैं। अब जरा देखिए
अगर हम 17 की टेबल को पढ़ते हैं तो 17 फाइव जा 85 होता है, ठीक है ना, तो 75 टाइम चला जाएगा, आपने कहा बिल्कुल चला जाएगा, 17 फाइव जा 85 हो गया, 85 को यहाँ रखा है जीरो, ये वन ये टू, और 17 सिक्स जा 102 होता है, 17 सिक्स जा 102 होता है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यक्स की वैल्यू जो है वो आपको 56 मिल जाएगी, यक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी 56 मिल जाएगी, ठीक है ना, जब आप 17 से 952 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो है 56, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 145 माइनस 32 डिवाइडेड 8 इंटू 15 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 130 आएगी, 100 आएगी, कि 115 आएगी, कि 75 आएगी, तो इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या होगी, ए बी सी डी में क्या सही होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें यहां पे, तो यहां पे देखो क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 145 माइनस 32 डिवाइडेड 8 इंटू 15 अपॉन 2। तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप डिवीजन को जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 145 माइनस, अब देखो 8 से जरा 32 को डिवाइड कितना आएगा 4 आएगा, तो जाएगा आपका 4 इंटू 15 अपॉन हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो यहां पर भी जब आप डिवीजन को सॉल्व कितना आएगा, यहां पे जरा डिवीजन को सॉल्व करिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 145 माइनस 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगा आपका 145 माइनस 30, 145 माइनस 30 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व के लिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5, 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 115 आपका सही आंसर होगा, 115 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो 115 इसका सही आंसर आएगा। तो बॉड मॉस को लगा के आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको बॉड मॉस लगाना है, बॉड मॉस लगा करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका, 115 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई मुझे, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं कि 780 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25 इसकी वैल्यू क्या होगी, 130 होगी कि 250 होगी कि 370 होगी कि 430 होगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बॉड मॉस आपको पता है, तो जल्दी से बताइए भाई क्या सही होगा, 130 होगा, 250 होगा कि 370 होगा कि 430 होगा। तो आपने कहा कि यहां पे वैल्यू दी गई है आपकी 780 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, सबसे पहले क्या होगा डिवीजन, तब तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अब यहां पे डीएम पहले भाई, डीएम में डी पहले एम बाद में, तो पहले डिवीजन बाद में मल्टीप्लीकेशन, डीएम में आपको बहुत ध्यान देना है, जब डीएम अगर गलत हो गया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा, तो डीएम को नाराज नहीं करना है, डीएम एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले डिवीजन बाद में मल्टीप्लीकेशन, तो पहले जब डिवीजन होगा तो 12 से जरा आप 780 को जरा डिवाइड करो कितना आएगा, तो 12 से डिवाइड कर लो भाई, 12 डिवाइडेड बाई 780 जरा डिवाइड करिए, तो 12 6 72
बचेगा 6, यहाँ बचेगा 0 और 12 5 जा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा ख़त्म। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 65 इंटू, अब देखो 25 से 50 को डिवाइड कर दो, आपने कहा सो बहुत सिंपल, 25 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 25 से अगर 50 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 65 में जरा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 जा 10 और 26 जा कितना होता है 12, 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, तो 130 आपका सही आंसर आएगा, 130 आपका सही आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 130 आएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि 22 डिवाइडेड 4 प्लस 4 माइनस 22 डिवाइडेड 5 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी कि 0.001 होगी कि नन होगी कि 1 होगी, बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, 0.1 आएगा कि 0.001 आएगा कि 1 आएगा कि कोई नहीं आएगा, इनमें से कुछ और ही आएगा, तो जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, 22 डिवाइडेड 4 प्लस 4 माइनस 22 डिवाइडेड 5 माइनस 5, तो यहां पर भी आपको क्या लगाना है, बॉडमॉस लगाना है, बॉडमॉस को ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया, बॉडमॉस लगाना, ठीक है ना। तो बॉडमॉस आप लगाइए और आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद ही आगे बात बनेगी। तो आपने कहा कि जो वैल्यू दी गई है 22 डिवाइडेड 4 प्लस 4, इसके बाद माइनस का 22 डिवाइडेड 5 माइनस 5, ओके। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो जरा 4 से 22 को डिवाइड कर दो, जरा 4 से 22 को डिवाइड करिए, तो 4 5 जा 20 और पॉइंट लगाया 4 5 जा 20, 5.5 आएगा, प्लस का हो जाएगा 4, माइनस 22 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 4 जा 20 पॉइंट 5 4 जा 20, माइनस का हो गया 5। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भाई, हमने 4 से डिवाइड किया 22 को तो 5.5 आया, और 22 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 4.4 आएगा, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, अब 4 5 जा 20 होता है, क्लियर। अब देखिए सारी की सारी कहानी समझ में आपको आ गई। अब आपको बताया कि क्या होता है, प्लस प्लस आपस में प्लस हो जाएंगे, जो माइनस माइनस है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, इन दोनों को अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9.5 माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 9.4 ये आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 9.4। अब इसको माइनस कर दीजिए तो जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, को 9 माइनस 9 तो ये तो 0 आ जाएगा, 0.5 माइनस 4 तो आपका 1 आ जाएगा, तो 0.1 आपका सही आंसर हो जाएगा, 0.1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखो देखने में जो क्वेश्चन बहुत ही जो है लग रहा था कि बहुत टफ है, वो कितना आसानी सॉल्व हो, कितना आसान क्वेश्चन है, तो बॉडमॉस आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है और चुटकियों में आपका आंसर आता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7 × 8 + 123 / 2 = क्वेश्चन मार्क इंटू 2, यहां पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 68.55, 58.75 की 63.25 कि आपका 65 होगा, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। आपको यहां पर बॉडमॉस लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जल्दी से बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर आएगा,
ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान, ठीक है ना, बस वर्ड मॉस लगाइए। अब जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, बाद में होगा मल्टीप्लीकेशन। तो आपने कहा कि यहां पर जब दिया गया है ये आपका 7 × 8, 7 × 8 प्लस 123 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स इंटू हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, एक्स इंटू हो जाएगा आपका 2, इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स इंटू 2। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, तो हो जाएगा 7 × 8 प्लस 2 × 6 = 12, ठीक है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 61.5 ही तो आएगा भाई। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 123 को, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म, 3 नीचे आया, 2 × 1 = 2 बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 2 × 5 = 10, तो 2 × 5 = 10, 61.5 आ जाएगा, ठीक है ना। आइए इधर हो जाएगा आपका x इंटू 2। अब देखिए इसको जरा आप सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 56, 56 हो जाएगा, 61.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x, ओके। अब इसको जरा ऐड कर लिए, कितना हो जाएगा आपका ये 6 × 7 = 6 × 5 = 11.5 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 117.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ठीक है ना, 2 × 5 = 10 कितना बचा 1, 2 × 8 = 16 कितना बचा 1, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ बचा 15 हो गया ये, तो 2 × 7 = 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ाया, तो पॉइंट तो पहले से लगा, 0 बढ़ा दीजिए, और 2 × 5 = 10, तो 58.75 आपका सही आंसर होगा, 58.75 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और जैसे ही 58 आया था, डायरेक्ट हम वहां पे बी लगा सकते थे, क्योंकि 58 और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 6 × 1/5 - 1 × 1/9 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 7/45 होगी कि 5 × 4/45 होगी कि 6 × 12/45 होगी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन के बारे में हमने एक बहुत अच्छे से क्लास पढ़ी है, ठीक है, जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा उसमें बहुत अच्छे से फ्रैक्शन को समझा है कि फ्रैक्शन को आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे दिया है 6 × 1/5 - 1 × 1/9। अब एक बात मेरी जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमें ये करने की जरूरत नहीं, कैसे कि 5 × 6 × 5 + 1/5 - 1 × 9 + 1/9, ये करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हमें ये जरूरत नहीं है करने की, ठीक है ना भाई। सॉल्व यहां से भी होगा, आंसर यहां से भी आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर यहां से गलत आएगा, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर दे देंगे। देखो कैसे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है जो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखते ही आंसर कैसे देंगे जरा देख लो भाई, देखो यहां पे आप क्या करो, 6 और इस 1 को बाहर ले लो, बीच में माइनस लगा है तो यहां पे माइनस लगा दो, हमने लगा दिया माइनस। अब देखो अंदर क्या बचा, 1/5 - 1/9। अब आप एक काम करो, चाहे यहां पर बेस बराबर कर लो, चाहे बेस बराबर कर लो, और चाहे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना। जैसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहां पर, तो इस 1 का मल्टीप्लाई 9 से, इस 1 का 5 से, और 5 और 9 का,
फाइव और नाइन का हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका सिक्स माइनस वन, तो फाइव तो यहां से आ गया, यहां क्या हो जाएगा आपका वन में तो ये नाइन आ जाएगा, फाइव का वन में तो माइनस का फाइव आ जाएगा, और नाइन का फाइव में तो फोर्टी फाइव हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये यहां पर आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होगा, सॉल्व करिए इसको कितना हो जाएगा आपका ये फाइव इज टू द, ये हो जाएगा आपका कितना नाइन में से फाइव फाइव गए तो फोर, फोर अपॉन फोर्टी फाइव, फोर अपॉन फोर्टी फाइव, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइव इज टू द फोर अपॉन फोर्टी फाइव, फाइव इज टू द फोर अपॉन फोर्टी फाइव, आप इसको आपका यह आंसर होगा जो किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? या फिर आप इसको बेस बराबर करके भी कर सकते थे, देखो कैसे, या तो फिर आप ऐसे भी कर लेते, देखो कैसे, वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन नाइन है, आप ऊपर ही फोर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी फोर, नहीं फोर का नहीं, यहां आपको नाइन का करना पड़ेगा क्योंकि आपको बेस बराबर करना है ना, तो ऊपर भी नाइन का और नीचे भी नाइन का, यहां ऊपर भी फाइव का और नीचे भी फाइव का, तो कितना हो जाता है ये नाइन अपॉन फोर्टी फाइव, ये तो आपका फाइव अपॉन फोर्टी फाइव। अब देखो दोनों के बेस आपके कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों के बेस कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों के बेस बराबर हो फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं करना हो, तो आपको अगर माइनस दोनों को ऊपर की दोनों संख्याओं को माइनस कर दीजिए, अगर प्लस है तो ऊपर की दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए, तो चूंकि यहां पे माइनस है तो नाइन माइनस फाइव कितना जाएगा फोर अपॉन फोर्टी फाइव यहां से आ जाता, तो देखो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, इन दोनों तरीके से किसी एक तरीके को आप अपना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो भी आपका आंसर 4 अपॉन 5 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 इज टू द 4 अपॉन 45 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, 343 into 13 plus 13 into 13 इसकी वैल्यू क्या होगी, 343 होगी कि 13 होगी कि 330 होगी कि 356 होगी, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो यहां पे आपको करना है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, तो यहां पर देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे, उन फार्मूलों को हम जो है इन क्वेश्चनों में बहुत अप्लाई करके बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक फार्मूला आपने पढ़ा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा है a³ माइनस b³, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर आप यहां पर देखें a बराबर मान लीजिए आप 343 और b बराबर मान लीजिए आप 13, तो ये क्या दिया गया है, देखो ऊपर दिया गया है a³ माइनस b³ दिया गया है, ओके, नीचे क्या दिया गया है आपका, नीचे दिया गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है, देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी, चूंकि ए बराबर आपने माना 343 और बी बराबर माना आपने 13। अब जरा देखिए यहां पे इसके फॉर्मूला को रख दीजिए कितना आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी नीचे दिया गया है। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका a माइनस बी बचा, क्या बचा a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी को सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी को सॉल्व कर लीजिए, तो a कितना है आपका 343 माइनस बी कर दीजिए तो आपका 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 330 आपका आंसर आ जाएगा, 330 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो 330 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब 343 से 13 को माइनस करेंगे आप तो 330 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ 5/9 ऑफ एक्स माइनस 2/5 ऑफ 9/4 इक्वल्स -4/5 देन फाइंड एक्स, ठीक है ना। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0.18 होगी कि 0.12 होगी कि 2 होगी कि 0.54 होगी, बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें दिया गया है आपका 5/9 ऑफ एक्स 5/9 माइनस 2/5 ऑफ 9/4 फिर दिया गया आपका जो है इक्वल, ये किसके इक्वल है, -4/5 के, -4/5 के बराबर में है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑफ आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब ऑफ तो आपका इस ब्रैकेट में लगा है, इस ब्रैकेट में लगा है, तो भाई ऑफ के पहले भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/9 इंटू लिख सकते हैं x, इसको हम लिख सकते हैं -2/5 इंटू 9/4, ये इक्वल्स हो जाएगा आपका -4/5। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 2 4 2 2 4, ये हो जाएगा आपका जो है 5x/9 -9/10 इक्वल्स टू हो जाएगा -4/5। इस वैल्यू को मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 5x/9 इक्वल्स टू हो जाएगा -4/5 +9/10, ठीक है ना। अब इसके जो है आप बेस को बराबर कर लीजिए, तो जब बेस को आप बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x/9 -4, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, और ये प्लस का 9/10 हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8/10 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 2 8 बिल्कुल 8/10 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा और प्लस का 9/10 है। देखिए दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, और किसका है, किसके बराबर में, ये है बराबर में 5x/9। अब देखो जिसका सिंबल बड़ा होगा उसका वहां पर भाई जो वैल्यू बड़ी होगी उसका सिंबल वहां पे लगेगा, तो 9/10 बड़ा है ना भाई, चूंकि दोनों का बेस बराबर हो गया तो यहां पे बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, प्लस वाली। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 5x/9 इक्वल्स हो जाएगा 1/10, क्या जाएगा 1/10। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर लिख सकते हैं 9/50। अब जरा 50 से डिवाइड करके देखिए 9 क्या आता है, 50 से जरा 90 को डिवाइड कर दीजिए। तो देखो जब आप यहां पे लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से 0 हो गया, 90 हो गया, 52 ज्यादा हो जाएगा भाई, 52 100 हो जाएगा, 190 से ज्यादा बड़ा है, तो 51 50, ठीक है ना। 50 से आप डिवाइड करके देखिए किसको, 9 को, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 51 50 हो गया, कितना बचा आपका 4 बचा, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 हमने और बढ़ा दिया, 5 8 40 पूरा का पूरा खत्म, तो कितना आ जाएगा 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। तो 0.18 किस में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, देखो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 0.18, और वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.18 आएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन है आपका कि इफ माइनस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, 4 होगी, माइनस सिक्स होगी कि माइनस फोर होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू को कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया आपका माइनस वन बाई टू ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना, प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू। ओके, ये इक्वेशन में दिया गया है और हमें यहां पर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अब हम यहां पे लगाना है बॉडमॉस, और बॉडमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस जो है एक्स माइनस फाइव अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके हम वन मान लेंगे, ये हो जाएगा प्लस का थ्री इक्वल्स टू माइनस का फाइव बाई टू। अब देखिए इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस फाइव अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका प्लस का थ्री इक्वल्स टू है माइनस का फाइव बाई टू। अब इसके जरा बेस को बराबर कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये माइनस एक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स, टू का थ्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस का फाइव अपॉन टू। अब देखिए जब बेस यहां पर बराबर हो गया तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा यहां पे माइनस एक्स प्लस इलेवन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का फाइव। ओके, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का फाइव माइनस इलेवन, चूंकि जब उधर जाएगा इलेवन तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का सिक्सटीन, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आपका 16 सही आंसर हो जाएगा, x बराबर आपका 16 सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, यहां पर जो x की वैल्यू है वो आपकी 16 आएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। डिटरमाइन द वैल्यू एक्स इफ एक्स इक्वल टू 943 प्लस 864 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1886 इंटू 1728। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 4 आएगी, 79 आएगी कि 1789 आएगी। तो जल्दी से बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए आपको अगर यहां पे a बराबर मैं मान लू 943, a बराबर मैंने मान लिया 943 और b बराबर मैंने मान लिया 864, तो आप यहां पर देखेंगे पहली वैल्यू आपको दी गई है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और दूसरी वैल्यू दी गई है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां पे लगा है माइनस और यहां पे दिया गया है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो अब जरा देखिए इस a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपका 4 इंटू ए बी, यही तो बचेगा। तो अब a क्या है आपका 943, b क्या है 864, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे x बराबर 4 इंटू ए, ए में क्या हो जाएगा 943 इंटू बी और बी में हो जाएगा 864 अपॉन कितना दिया गया है 1886 इंटू 1728 दिया गया है। अब जरा इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 864 टू जा हो जाएगा 24 जा 8 26 जा 12 और 2 8 16 प्लस 1 17 और ये भी टू टाइम यहाँ चला जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका जो है x इक्वल टू 4 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 2, तो जाएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 आपका सही आंसर होगा, 1 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूले के द्वारा इस बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारे फॉर्मूलों को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि वो फॉर्मूले आपके एकदम क्लियर रहें, और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत जल्दी उनका आंसर दे पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, सिंप्लीफाई 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187, इसकी वैल्यू क्या होगी? 80338 होगी कि 80438 होगी कि 60338 होगी कि 60438 होगी? ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? तो आपने कहा बहुत आसान, देखिए 213 इंटू 213 दिया है, प्लस है आपका 187 इंटू 187। अब भाई इनका या तो हम आपस में पहले मल्टीप्लाई करें कि 213 का 213 में करें, 187 को 187 में करें, अर्थात इनका स्क्वायर निकालें, तो ये तो फिर बहुत टाइम टेकन वाला मेथड हो जाएगा। तो फिर कैसे कर सकते हैं, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उस पर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 213 को आपने लिख दिया 200 प्लस का 13, और इसका आपने कर दिया होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन तो ये ना कि इसका दो बार गुणा होगा, अर्थात इसका स्क्वायर होगा, तो हमने 213 को तोड़ दिया 200 प्लस 13 में, प्लस यहां पे हमने इसको लिख दिया 200 माइनस 13 का होल ऑफ स्क्वायर, और 200 में जब 13 आप माइनस करेंगे तो 187 ही तो आपको मिलेगा, और स्क्वायर का मतलब उसका दो बार मल्टीप्लाई। अब इसको आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आपको पता है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अब यहां पे लगा है माइनस, सॉरी यहां पे लगा है प्लस, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे प्लस लगा है तो अंदर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो यहां पे a क्या माना है आपने, a बराबर है 200 और b बराबर है आपका 13, b बराबर है 13, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो, इसमें और बढ़ा दीजिए भाई, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो 40,000 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कितना है 169 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इनको जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा आपका 9, 9 यहां आ जाएगा, यहां पे 6 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 4 आएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए भाई, इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 जा 18 तो यहां पे 8 1 बचेगा आपका, 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, तो 3 आ जाएगा, 1 फिर से कैरी हो गया, ठीक है ना, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 2 0 0 2 4 जा 8, 8 0 338 आपका सही आंसर होगा, 80338 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बड़े से क्वेश्चन का कितने सिंपल तरीके से आंसर निकल आया, तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से उनको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।